माया के अधीन रहते हैं, क्योंकि हमारा जो जीव है ये जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, हम हमेशा किसी पर डिपेंड होते हैं। भौतिक तरह से देखा जाए तो हमारा जो शरीर है यह भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको खाना पड़ता है। कोई इंसान बिना खाना खाए नहीं जी सकता है, पानी जरूरत है, हवा हम लोग ग्रहण करते हैं, सूर्य का हमको जरूरत है, धरती को हमको जरूरत है, तो इस तरह से हम लोग डिपेंडेंट हैं। और जो हमारा मन है 99% भौतिक वातावरण में, माया और विषयों में, विषय मतलब के जो इंद्रियां हैं इसी में भोग अभिलाष में ज़्यादातर व्यवस्थित रहता है। और दुर्भाग्य से ये जो इंद्रियां हैं हम देखते हैं अभी, ये हमारे भाइयों हम लोग यहाँ पर अभी आकर देखते हैं भाइयों और लोगों में इंद्र तृप्ति पे बहुत ज़्यादा जोर है। इंद्र तृप्ति में किसी तरह से अपने इंद्रियों को उसका मनोरंजन करें, टीवी देखें या तो फिर और क्या क्या आप लोग हमको बताएं क्या क्या तरह से अपने इंद्रियों को आप तृप्त करते हैं, ये तो आप स्वयं जानते होंगे ना। कोई नंगना पीता है, कोई तंबाकू पीता है, कोई शराब पीता है, कोई गांजा पीता है, इस तरह से तरह तरह से लोग अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपने इंद्रियों को। लेकिन जो आत्मा है इसकी तृप्ति नहीं होती है, उसको हम संतोष नहीं दे पाते हैं, इसको हम आनंद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इंद्रिया जो है ये शरीर पर आधार है और इसके द्वारा हम जो भी कुछ एंजॉय करेंगे, जो भी हम मनोरंजन इससे उठाएंगे ये कुछ क्षणों के लिए होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि ये बहुत टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब जानते हो, इसका शुरू होता है प्लेजर का, फिर वो अंत हो जाता है इसका। तो ऐसा प्लेजर जो है हम खोजते हैं, असल में इंद्रिय से जो भी प्लेजर हम कोशिश करेंगे इसको प्राप्त करने की, वो अंत में सिर्फ हमको दुख ही देगा। भगवान कृष्ण इसका डेफिनेशन देते हैं पांचवें अध्याय में कि इंद्र के द्वारा जो भी इंसान तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसका परिणाम सिर्फ दुख होगा, दुख और कुछ नहीं होगा। अगर आप शराब भी पियोगे तो आपको हैंगओवर मिलेगा। हैंगओवर जानते हो, हैंगओवर मतलब जानते हो, सर दर्द होगा आपका, पहले जो पिया वो फिर निकाल देंगे कुछ देर बाद और फिर वो शरीर में जाकर कुछ देर आपको मजा देगा, फिर आपको सजा देगा, आपके मन को और विचलित करेगा और सर में दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि सुबह व्यक्ति जागेगा फिर बोलेगा मैं लौट कर नहीं पीऊंगा। ऐसा किसी ने कभी सोचा है, कोई सब बोला है, कोई हमको ऑनेस्टली बता सकता है ऐसा? सुबह जब सर दर्द होता है तो बोलता है मैं अब नहीं पीऊंगा, क्योंकि खोजने चले सुख और दुख में उसका कंक्लूजन आया। तो ये असली सुख नहीं है, भगवान सिर्फ कृष्ण बताते हैं और हम ये विश्वास पर कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान अपने मुख से बता रहे हैं कि इससे जो कुछ भी मिला है सुख थोड़े क्षण भर के लिए था और परिणाम दुख होगा। दुख हम देखते हैं लोग फिर उसके ऊपर दुख आता है तरह तरह से, फिर वो फिर शरीर में बीमारी आती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बुढ़ापा को और जल्दी निमंत्रण कर देते हैं ऐसे तरह से और बीमारी आ जाती है, फिर उसके माइंड में वो ऐसा व्यक्ति के माइंड में फिर वो कुछ अपने आत्मा के प्रति कुछ करना भी चाहेगा तो उसका रोग उस तरह से उसको जकड़ लेता है कि वो सिर्फ घर अस्पताल गोली दवाई ये सब चक्कर में उसका सिर्फ मैं अपने परिवार में कुछ देखा हूँ, अपने पिता को भी मैं देखा हूँ ऐसा, सिर्फ अस्पताल गोली दवाई चक्कर में बस फंस के रह जाता है और कोशिश भी करता है तो बीमारी के उसको ऐसा दबाती है
कि वह उसको क्लियरली नहीं सोच पाएगा वो। और भगवान स्वयं ये सप्तारा अध्याय में पढ़ोगे तो दिखाए बताता है कि कैसे वो खोजने निकला, क्या सुख और क्या क्या उसको गति हुआ होता है। और दानव उसके अंदर में दानव जो देव दानव दो प्रकार के स्वभाव है, सो दानव प्रभाव से वो उसके अंदर आ जाता है। फिर वो घमंड करने लगता है, पैसे पर घमंड करता है, अपने प्रोग्रेस पर ना, अपने आगे बढ़ने पर घमंड करता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दम्भ उसके अंदर प्राइड आ जाता है बहुत, कोई उससे आगे बढ़ता है तो उससे जलन करेगा वो, फिर उसको वेंजफुल नहीं चल जाता है, गुस्सा बहुत होता है, गाली बहुत देता है, तमोगुनी में आ जाता है, फिर तमोगुनी आहार भी करता है, तमोगुनी जैसे शराब इत्यादि सब तामसिक गुण के जो चीजें हैं ना उसको ग्रहण करता है, उससे उसकी समस्या और गंभीर होती है। और धीरे धीरे भगवान काल रूप में, जैसे कि हम भगवान भागवतम में बताते हैं भगवान का रूप काल रूप। काल का मतलब क्या है, काल का क्या डेफिनेशन, क्या काल, क्या है काल का मतलब क्या है? देखो कितना हमारे सनातन धर्म को हम कितना हम बोलते हैं सनातन धर्म में है हम, लेकिन कितना जानते हैं ना कि एक शब्द का मतलब कि जहाँ बता सकता है कोई? टाइम, काल का मतलब है टाइम फैक्टर। काल को भागवतम में एक सर्प का मेटाफोरिक जिसे हम कहेंगे एक सांप सर्प का उसको बताया गया है कि उसकी तरह है काल। और काल मौत के रूप में हमारे आसपास वो सिर्फ ऐसे सांप का फन होता है, ऐसे करता है हमारे आसपास में है, और जब मौका मिलेगा वैसे डंक मारेगा और फिर मृत्यु हमको। युधिष्ठिर जी बताते हैं ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको सरप्राइजिंग बात है कि इंसान देखता है कितने लोगों को मृत्यु को देखता है वो, लेकिन सोचता है कि मैं अमर हूँ, मेरा ग्रैंडफादर मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरा काका मर गया, फूफा मर गया, अब ये दोस्त लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। लेकिन काल एक माया को ऐसा है इल्यूजन दिखाता है, अब इंसान हमें सोचता है कि मेरा मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन काल है मृत्यु रूप में हमेशा हमारे आसपास रहता है। और हम क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद भी माया में ऐसे जकड़े हैं हम, देख बैठ कर टीवी देख रहे हैं आराम से, भागवत में ऐसे लिखा है ना, बैठ कर टीवी देख रहे हो वहां पर एक सांप बैठा है आपको कभी भी आकर डस सकता है, उसके तरह हमारा ध्यान नहीं, हमारा आगे देख रहे टीवी का स्क्रीन देख रहे, तो ये मूर्खता है। और काल रूप में फिर वो हमको खत्म कर देगा जो कुछ भी आगे हम बढ़ेंगे। जैसे मैं असुरी भाव के बारे में बात कर रहा था तो वो इंसान समझ नहीं पाता कि हमारा टाइम जैसे आएगा मृत्यु हम सबको लेख मृत्यु सर्व हर्ष हम इसी के भगवान भगवत गीता की मृत्यु सर्व हर्ष हम मृत्यु रूप में सब आकर हर घर ले जाए, जो कुछ बटोरे बैठे हैं धन है प्रॉपर्टी है जमीन है व्हाटएवर जो कुछ है बटोरे बैठे हैं मृत्यु सर्वच हर्ष हम आकर आकर सब भगवान छीन कर ले जाएगा। आत्मा जैसे शरीर से निकलेगा वो शरीर एक कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका, एक शरीर एक बॉडी एक डेड बॉडी का कितना वैल्यू है। कमल कृष्णा गोस्वामी जब आते थे फिजी तो हमको ये बहुत अच्छी तरह से हमको याद है, हम सिर्फ 12 वर्ष के थे तो बाह में आकर उनको प्रचार हुआ था तो एक डेड बॉडी का कितना वैल्यू है वो हमको बतलाए थे। एक डेड वैल्यू उस समय डेड वैल्यू में जितना अगर आप उसके एक एक अंश का या व्हाटएवर वैल्यू निकालोगे 20 सेंस था डेड बॉडी, लेकिन उसके बॉडी द्वारा मन द्वारा जो कुछ प्राप्त किया उतना आदमी प्राउड होता है कि मैं आई एम वैल्यूड, ऐसे एक ना कोई बिलियन हो गया बोलता है हमारा वैल्यू बिलियन है, उसका बॉडी का वैल्यू सिर्फ 20 सेंस असल में हम, और वो भी जो बॉडी हमारा है वो भी हमारा नहीं है, प्राण निकलता है वो सब छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे समय में हम लोग अपना समय गंवा रहे हैं, जो कोई भी
मानते हैं कि हमको अपना जो जीवन भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जीवन को तृप्त करने के लिए जीवन जो बहुत सागर है इसको मेंटेन करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ त्याग दें। भगवान ऐसा नहीं बतलाते हैं, कुछ काम करना जरूरी है। इसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम का जो नियम उसको भगवान ने स्थापित किया, पहले व्यक्ति जो है वो पढ़ता लिखता है, उसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, डिग्री प्राप्त करता है। तो उसको पहले वैदिक टाइम्स में वो लोग गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में गुरु द्वारा शिक्षा लेते थे और ये परंपरा थी ना, वही सिस्टम है ये भी। कहीं हम लोग दूसरा लेवल दे दिए, लेकिन सिस्टम वही। तो इस तरह से फिर जो ब्राह्मणा के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम आता है, 25 डेज के बाद में फिर वो व्यक्ति का शादी होता है और विवाहित जीवन में वो बनता है, फिर बाल बच्चे वाला हो जाता है और उस समय गृहस्थ आश्रम को ये अलाउड है कि वो काम धंधा कुछ करे, नौकरी करे और अपने परिवार को वो उसका देखभाल करे, क्योंकि इसके लिए धन की जरूरत होती है। फिर वो उसका जो पुत्र है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो रिटायर्ड लाइफ में जाता है, इसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। रिटायर्ड लाइफ में फिर वो रिटायर्ड लाइफ किस लिए, रिटायर्ड लाइफ गोल्फ खेलने के लिए नहीं है और क्लब में बैठने के लिए नहीं है। रिटायर्ड लाइफ मानिए विदेश में देखते हैं हमारे सनातनी लोग, सनातन अपने आप को सनातन सनातन बोलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, बैठे हैं क्लब में बैठकर शराब पी रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, ऐसा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर क्या गैम्बलिंग कर रहे हैं, पोका मशीन के आगे बैठे जुआ खेल रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं वो लोग। वानप्रस्थ भगवान ये सिस्टम बनाए, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ के बाद में इंसान को भगवान के प्रति ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, भगवान का नाम जपन करना चाहिए और साधु संत महात्माओं का दर्शन करना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए और तीर्थ स्थान को जाना चाहिए। जो तीर्थ स्थान जहाँ पर भगवान ने अपने लीला किए, या तो फिर जहाँ मंदिर है इस जगह पर जाकर और सत्संग में ज्यादा समय बिताना चाहिए, भगवान के विषय में बात करना चाहिए, भगवान के लीलाओं के विषय में बात करना चाहिए। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि वानप्रस्थ में करे, गृहस्थ जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वानप्रस्थ में थोड़ा टाइम प्रेशर कम होता है ना, जिम्मेवारी थोड़ा कमती है, तो उस समय थोड़ा इजिया है। लेकिन अब अगर आप सिस्टम से नहीं गुजरे हो, मतलब गृहस्थ लाइफ में आप नियम का पालन नहीं किए हो, तो वानप्रस्थ में आप जैसा कह रहे हो बेकार का फिर रिटायर्ड लाइफ होगा। हमेशा अपना जो जीवन है, हमारा सेंटर ऑफ लाइफ हमेशा भगवान का जो वाणी है, भागवत गीता में जो दिया है भगवान ने और भागवतम में अपने लीलाओं द्वारा जो दिया है, इसके ऊपर और इसी के अनुसार हम अगर अपने जीवन का कदम उठाएंगे तो किसी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, किसी भी कर्म और निर्भय होकर जिएंगे, कोई फिया नहीं होगा हमको, डर डर कर नहीं जिएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि भगवान जैसा बताए हैं हम उस तरह जी रहे हैं, जैसा भगवान बताए हम उसे जी रहे हैं। और कोई जगह कोई अगर दुख आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ कहीं हम चूक गए, भगवान जैसा बताए हम उसे सही सही नहीं किए, तो दोष हमारा है, इसलिए हम मान लेंगे, अपने आप को गलती मान लेंगे कि हमारा विषय पर ज्यादा ध्यान हो गया या कोई नियम को थोड़ा सा तोड़ दिया या कोई गलती कर दिया ना कहीं पर, तो अपने आप को हम बता देंगे, स्वीकार कर लेंगे। अभी आप लोग को बताए कोई दुख काट रहा है, जाकर बोलो भैया आप इतना दुख काट रहे हो, कोई साफ साफ ना, हमको भी बुरा लगता है किसी के ना, कर्म दंड को आप भोग रहे हो ना, आपका कर्म का दंड है इसलिए आप भोग रहे हो, हमको बुरा लगता है, लेकिन ग्रंथ के अनुसार ऐसा ही है। कोई इंसान अगर दुख काट रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो इसका कारण कर्म है और कोई नहीं, कोई कर्म उल्टा है उसका, और शायद इस जन्म में नहीं पिछले जन्म का कोई कर्म है, इसके पिछले से प्रभु जी बता रहे थे धृतराष्ट्र के विषय में, धृतराष्ट्र कितना जन्म पहले, 100 जन्म पहले वो वैसे तो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, वो
सौ जन्म पहले वो एक राजा थे और स्वान जो हम स्वान स्वान जानते हैं ना, एक बत्तख की तरह होता है, बत्तख के बच्चों को वो उसका गोश्त जो बहुत उसको मारकर उसका एक उसका कुक क्या कहेंगे चपरासी नहीं बाबरची उसका 100 स्वान हंस के बच्चों को मार कर लाकर उसका गोश्त खिला दिए। 100 बच्चों का गोश्त पहला खिलाए तो बोला बहुत स्वादिष्ट था, उसको पता ही नहीं कि क्या खिलाया उसको, बोला बहुत स्वादिष्ट था और लाओ। ऐसे ऐसे करके 100 बच्चों का 100 हंसों का प्राण लेकर उसका गोश्त खा लिए। और क्योंकि वो पूछे नहीं किसका है, कैसा है, क्या भोग है ये, उसको पूछे नहीं, तो मतलब एक अंधे का काम किया वो, तो इसलिए उसको फिर एक अंधे का जन्म मिला। मतलब 100 जन्म बाद उसको अंधे का जन्म मिला और उसका जो बाबरची था उसको गांधारी बनना पड़ा, क्योंकि वो देखकर भी वो देखी क्या दे रही है अपने अपने महाराज को क्या दे रही है वो जानती थी, लेकिन वो अंधी बनी थी तो इसलिए उसको आंख होते हुए भी उसको फिर अपना पट्टी बांधना पड़ा कि अंधी की तरह वो पूरा जीवन उसको बिताना पड़ा। तो जो कर्म का दंड है, कर्म का जो रहस्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। भगवान ये जो कृष्णा भगवद गीता में कर्म के विषय में ये टॉपिक आता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है और इसको बहुत समझना जरूरी भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो ज्ञान द्वारा आपने जो कर्म का जो बंधन है, जाल है, इसको काट दीजिए। जैसे आप एक टंगारी लेकर, जैसे आप टंगारी लेकर पेड़ काटते हैं ना? तो जो कर्म का जो एक उदाहरण दिए है भगवान, जैसे वो एक अश्वत्थामा नहीं क्या ट्री बोलते हैं, पीपल का ट्री होता है वो ट्री से बढ़ता है, उसका हर तरह उसका जड़ है वो ऊपर की तरफ जाता है, जड़ ऊपर की तरफ जाता है, सब तरफ फैला है और जो से ब्रांचेस में सब ब्रांचेस निकल रहे हैं, पुंगियां निकल रही है उसकी, हर तरह से फैल रहा है वो। जैसे फिजी में पापड़ का पेड़ बोलते हैं, पाकड़ पेड़। तो उसका जड़ कभी कभी देखने में वो अजीब सा उसका जड़ होता है, तो उसी तरह से जो कर्म का जाल है वो सब तरफ फैला हुआ है और वो फैलता जाता है। जैसे जैसे हम अपना जो दुष्कर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, वो उसका वो डाली फिर और बढ़ता जाता है, हर तरफ इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर व्यक्ति के जो हमारा जो शरीर के इसके हम लोग इस कर्म जाल में फंसे हुए, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर कोई कर्म जाल में फंसा हुआ है। और भगवान क्या बतलाते, एक टंगारी लेकर इस कर्म को जो जाल है इसको काटो, इस पेड़ को काट कर अपने आप को मुक्त करो। ये कैसे कर रहे हैं, ज्ञान द्वारा अपने कर्म जाल से अपने आप को मुक्त करो और फिर ये जो भक्ति मार्ग है इसको अपनाओ। भक्ति को अपनाओ। अभी तो हमको बहुत समय लग जाता है भक्ति तक आने, भक्ति प्रैक्टिस स्टार्ट वहां पर आते आते तक बहुत कम लोग भक्ति जो कि एक्सेप्ट करते हैं। अपने अनुभव बता रहा हूं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कि भक्ति यहाँ भाई भक्ति को आप प्रैक्टिस करो, वहां पर पहुंचते अगर 100 लोग रहे उसमें से एक दो ही शायद वहां तक पहुंचते हैं। बहुत लोग तो बस ऐसा कर थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर बस थोड़ा समझ जाते हैं, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, दुर्भाग्य है, ये बहुत दुर्भाग्य बात है। देख कर भी नहीं समझ जाते, पसेना पीना पश्यति, देख कर भी नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है उनके साथ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, भक्ति के विषय में बताना इसको हम तो योग भी नहीं है, पहले तो एक हम तो योग भी नहीं, इसके बारे में विषय कर चर्चा करने के बारे में हमारे पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अच्छा अब तक ज्ञान की बात किए है तो ये गीता में बहुत से ज्ञान है। भगवान आप लोग
हर कोई क्षमा निवेदन करते हैं कि जहां तक हो सके जवानी में ही अपना कुछ समय आप निकाल कर भगवद गीता को ठीक तरह से समझ लीजिए। पहले अध्याय से 18 अध्याय बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 700 श्लोक है इसमें। इसको अच्छी तरह से एक बार भगवान क्या कह रहे हैं हमसे ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारा जैसे कि आप मैनुअल है, आप एक मशीन लिए हो, एक मशीन दुकान से जाकर आप खरीदे, मॉरिस गए या अभी क्या सुपर मार्केट कोर्ट्स गए या बेंच फिलिप होता था वहाँ गए, कुछ मशीन खरीद के लाए तो उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है, मशीन को कैसे चलाना है, मिलता है कि नहीं? मशीन को लिया है उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है कैसे उसको ऑपरेट करना है, उसके हिसाब से आप उसको असेंबल करोगे और उसको ऑपरेट करोगे तो वो चलेगा, आपको ढेर दिन आपको सर्विस करेगा। तो ये बॉडी भी एक मशीन है, एक मशीन है, और इस मशीन के लिए जो मैनुअल है उसको मैनुअल को हम ग्रंथ कहते, ग्रंथ है ये मैनुअल है, भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, बहुत से ग्रंथ है, ये इसका मैनुअल है। इस मशीन को, इस जीवन को कैसे चलाना है हमको सिखाता है भगवान, और सबसे ये भगवान अपने मुख से स्वयं हमको बताए हैं कि किस तरह से इस मैनुअल को हम इस जीवन को कैसे जिए। इस मशीन को, इस मैनुअल द्वारा आप नहीं चलाओगे तो आप, जैसे मैं पहले कह रहा था, कर्म बंधन में फंसोगे, फंस जाओगे, फिर आपको दुख काटना पड़ेगा, जगह भी तरह तरह से माया आपको जकड़ लेगा, तरह तरह से वो ट्रिक करेगा आपके ऊपर और फिर आपको जकड़ कर और आपने कर्म बंधन में फंस जाओगे, फिर वही बीमारी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, बहुत टू लेट हो जाएगा। तो जवानी जब आप यंग हो, दुरुस्त हो, तो आप ये ज्ञान आपको आप अच्छी तरह से समझ लें, और आप जब समझ लेंगे तो आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज्ञान आप सिंसियरली आप करो, सिंसियरली मतलब आप नर्म भाव से और सबमिसिव हम्बल, मतलब कि हम ह्यूमिलिटी का मतलब है साधारण विषय से, साधारण तरह से भगवान के सामने, भगवान सबसे बड़ा है, भगवान को भगवान विभू है, विभूति, विभूति मतलब बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है भगवान, सागर जैसे है, और हम अनु है, अनु मतलब बहुत छोटे हैं। तो भगवान के सामने छोटा बनने से, हमारे सामने छोटा बनने से शायद आपको दिक्कत हो, किसी और के सामने छोटा बनने से शायद आपको मुश्किल पड़े, लेकिन भगवान बहुत बड़ा है, ही इज वेरी बिग, वेरी विशाल, बहुत शक्ति उनके पास, उनके सामने आप सरेंडर कीजिए। 18 अध्याय में भगवान का उपदेश है, सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम भजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपना जो ढोंग पोंग है सब छोड़कर भगवान के धर्म, आप जो छोटा मोटा व्हाटएवर धर्म है उसको छोड़कर भगवान के शरण में आ जाओ, और भगवान आपको अपने शरणागत वो ले लेंगे, और वहां से मा शुचः मतलब वहां से डरने की जरूरत नहीं, उस कम से कम उस अवधि तक आप पहुंच जाओ। विभीषण, यहाँ रामायण में बात आती है, विभीषण जब, विभीषण के बारे में जानते, विभीषण कौन था, टेस्ट नंबर टू, विभीषण कौन था, कौन था विभीषण, राम के भाई, रावण। तो विभीषण जी थे, रावण के भाई थे, भाई को समझाया कि अपने सीता जी को हरण करके लाए हैं, और उसको मान मर्यादा से, मर्यादा के साथ भगवान श्री राम स्वयं नारायण है उसके पास लौटा कर दे दीजिए, आप गलती आपकी है, गलती मानकर उसको लौटा दीजिए, और वो सर्वलोक के स्वामी हैं, उसको आप क्षमा ले लीजिए। रावण क्या किया, उठ के दम्भ के साथ उठा, उसको लात मार कर वहां से लिटरली उसको लात मारा, वहां से बाहर कर दिया। विभीषण बहुत बेइज्जती हुआ उसका, वही सभा में लोग हंसे उसके ऊपर, और मतलब कि बहुत कभी देना मंदवा हो गया, जैसे सब छिन गया उससे, भरी बाजार में ऐसा उसको हंसी हुई हुआ। तो सब अपना ज्ञान वगैरह जो कुछ था सब त्यागा, सीधा भगवान के शरण में गया। भगवान के शरण में वो मायावी था, ऊपर सागर के ऊपर से फ्लोट होकर के आ रहा है, उसके पास में शक्ति था, ऊपर से फ्लोट करके आ रहा है, तो इधर
सुग्रीव लोग बानर लोग देखते हैं कोई आ रहा है ऊपर से और देखते हैं राक्षस लोग आए राक्षस गण हैं राक्षस रूप में आ रहे हैं और देख रहे हैं तो ये तो राक्षस हैं और लंका से आ रहे हैं तो बोलते हैं सोच रहे हैं ये तो अटैक करने आ रहे होंगे अटैक करने तो है ना राम के ऊपर अटैक करने आ रहे होंगे तो सतर्क हो जाते हैं और भगवान को जाकर सूचना देते हैं। भगवान तो अंतर्यामी स्वयं श्री राम भगवान श्री राम अंतर्यामी वो देख वो जानते हैं विभीषण जी आ रहे हैं वो क्या करने आ रहे हैं अपने आप को सरेंडर करने आ रहे हैं भगवान के चरण में अपने आप को सरेंडर करने आ रहे हैं। जैसे गीता में भगवान बता रहे अपने अपना सब कुछ छोड़कर जो कुछ छोड़कर हमारे शरण में आ जाओ विभीषण उस तरह से हमारे पास सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। तो वो जब देखते हैं भगवान अंतर्यामी वो देख कर जान गए लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं वो तो वो उसे खुलकर नहीं बोलते हैं चुप है चुप है। अब आप वो तर्क से तर्क मतलब रीजन से वो समझा रहे हैं सुग्रीव को बानर लोग और सुना नहीं नहीं आने दो उसको। फिर अंत में सुग्रीव क्या बोलते हैं अरे वो राक्षस से आपको खा लेगा आकर आप मनुष्य वो राक्षस है वो आपको आकर खा लेगा। तो राम जी वहां पर विवशता पूर्वक वो फिर बोलते हैं कि नहीं जो जो कोई भी अपना सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाता है वो चाहे कोई भी हो चाहे मूर्ख हो अज्ञान हो राक्षस हो किसी कुल का हो स्त्री हो आउटकास्ट हो शूद्र हो चांडाल हो कोई भी हो वो अपना सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ रहा है उसको मैं मेरा गारंटी है कि मैं उसको अपने शरण में ले लूंगा ये मेरा गारंटी है। ये बात भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये बात रामायण में भगवान श्री राम जो कि वही है वही भगवान साक्षात भगवान है कोई अंतर नहीं है भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण वही है। और कृष्ण लीला में आप देखोगे बहुत सी जगह पर ऐसे बात आते हैं जामवन और कृष्ण के बीच में बड़ा युद्ध होता है बड़ा भयंकर युद्ध होता है सतरजीत मणि के विषय में उनके मध्य में बड़का युद्ध होता है 23 तक जामवन जानते हो आप लोग जो लोग रामायण जानते होंगे कुछ लोग जामवन कौन था 23 जामवन कौन था बानर था जामवन बानर था नहीं जानवर जामवन कौन था भालू था भालू भालू का शरीर था उसका और चिरंजीवी था ब्रह्मपुत्र था उसको चिरंजीवी का वरदान है और उसका बहुत लंबा आयु है बहुत ताकतवर था वो पहले धरती के 3 राउंड मारा था वो तो इसलिए उसको चिरंजीवी का आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया था और उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो वही राजामोहन जी भगवान श्री राम के बहुत सहायता किए थे वो सुग्रीव के सेना में थे एक मंत्री थे भगवान श्री राम के बहुत वो सेवा किए और भक्ति भक्ति में देखो कोई बड़ा छोटा नहीं है भगवान भगवान जब भक्त के साथ जब वो मिलते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये बानर है या भालू है क्या है भगवान का हृदय बहुत विशाल है वो भक्ति में सिर्फ वो भक्त नहीं भक्ति में सिर्फ वो भक्त को देखता है सिर्फ भक्त को भक्ति पहचानता है